एक और चीज है, 2018 में मेरे को इतना प्रेशर था ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर, सारी चीजों का प्रेशर, इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा था, मुझे उस वक्त राखी से नहीं भिड़ना था। आप वीडियोस को देखो, इतना उसने गंद मचाया है, उसकी अग्रेशन जो है ना, मैं मैच नहीं कर सकती, मुझ में वैसी वाली अग्रेशन है ही नहीं। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा भी था, कौन सा घोड़ा पीती है बहन, मेरे को बता दे। इतना लड़ने की जो उसमें अग्रेशन है, हर रोज ओशिवारा पुलिस थाने में आके उसके कितने, उसके हर साल हस्बैंड को जेल भिजवाना, ये कैसे करती है? मैं कैसे कम्पीट करूं यार ऐसे लोगों के साथ? ये जो शैतानी और जो दैत्य वाली जो शक्तियां हैं ना, मुझे शायद थोड़ी और कुछ साधना करनी पड़ेगी इन लोगों से लड़ने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। मैं अभी कुछ दिन पहले भगवान से बोल रही थी कि अब मुझे ना शक्ति दो, लड़ने के लिए शक्ति दो, मैं थक जाती हूँ। मैं हफ्ते भर पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, इंटरव्यूज किए, मैं पिछले एक हफ्ता पूरा मैं थकी हुई थी, बीमार हो गई थी, थोड़ा सा उठ नहीं पा रही थी, ज़्यादा शक्ति नहीं थी। मैंने अपना कुछ कुछ किया, अपनी साधना शुरू की, अब थोड़ा सा एनर्जी आया है, FIR करना है तो ये मैं कर रही हूँ, ये प्रक्रिया इसकी है, करनी पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को पब्लिक तोल देना बंद कर दे, क्योंकि पब्लिक इनको जाने देती है, इनकी कॉमेडी में आ जाती है, लेकिन कॉमेडी की आड़ में आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ये सही नहीं है। इंसान इंसानियत छोड़ देगा अपनी, अपनी ईमानदारी छोड़ देगा जब यंग जनरेशन देखेगी ना कि इस तरह के लोग कुछ भी करके निकल जाते हैं, ये सही नहीं है। अच्छा, क्या क्या कंप्लेंट्स में क्या क्या चार्जेस लगेंगे? देखिए, तनुश्री जी के बारे में मीडिया में, न्यूज चैनल में जो जो बोला गया है, उनके बारे में अभद्र भाषा में जो अश्लील जो वक्तव्य किया गया है, उसके बारे में हमने शिकायत दर्ज की है, उसके अभी सब प्रक्रिया चालू है। अभी हम सारा डिटेल अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारे वीडियोज वगैरह हमने आज जमा किए, उसका पंचनामा हो चुका है वीडियोज का, और वो सारे वीडियोज हमने पुलिस स्टेशन में जमा किए हैं, और ये प्रक्रिया चालू है, अभी जारी है, कल तक जारी रहेगी, और कल आपको इसके बारे में फाइनल जो FIR के बारे में कल आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ना मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं, मीडिया पब्लिसिटी। मेरा करियर इतना अच्छा चल रहा था ना 2008 इंसिडेंट के पहले, कि मुझे कोई मीडिया पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं थी। ये शैतानी लोग आके हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं अपनी मीडिया पब्लिसिटी करने के लिए, फिर हम पे उल्टा एलिगेशन लगाते हैं, उल्टा चोर पुटवाल को डांटे कि आप कर रहे हो पब्लिसिटी के लिए। किसी इंसान को क्या हक नहीं है अपनी हक की लड़ाई लड़ने का? आप कुछ भी मुझे बोल के चले जाओगे, आप कैसे भी मेरे साथ बर्ताव करके चले जाओगे, मैं रिटेलिएट नहीं कर सकती हूँ। और जब कोई रिटेलिएट करेगा तो उस पर उल्टा एलिगेशन लगाओ कि मीडिया पब्लिसिटी, मुझे ज़रूरत है मीडिया पब्लिसिटी की। मैं अगर काम कर लूँगी ना, स्क्रीन पर आ जाऊँगी, वो 10,000 कॉन्ट्रोवर्सीज के ज़्यादा उससे मुझे पब्लिसिटी मिलेगी। अगर वो हॉर्नों के पीछे गाना उन्होंने मुझे शूट करने दिया होता सुकून से, शांति से, बिना परेशान किए हुए, उस गाने से मुझे ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती, उस गाने से मुझे आगे भी काम मिलता। तो क्या कोई इंसान अपने ऊपर ये सारी अत्याचार होने देगा पब्लिसिटी? क्या राखी सावंत और मेरा सर बहुत अलग है, मुझे लीड रोल्स मिल रहे थे, मुझे गाने मेरे हिट थे, मुझे काम मिला, मैं मिस इंडिया हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है सड़क पर आके पब्लिसिटी का, मेरी एनर्जी नहीं होती ये सब कोर्ट कचहरी ये सब करने के, लेकिन करना पड़ रहा है अपने हक के लिए। क्योंकि आज इस राखी सावंत को अगर मैंने छोड़ दिया ना, तो सबको लगेगा कि अरे तनुश्री तो इजी टारगेट है, उसको आप कुछ भी करके निकल जाओगे। थोड़ी परेशानी तो होनी चाहिए सामने वाले को, अगर आपने मुझे परेशान किया है, क्योंकि मुझे तो और भी जीना है ना, और भी काम करना है, और कुछ करना है, करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, आपको हक आपको लड़ना पड़ता है। मुझे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बचपन से वैसी हूँ, मुझे लड़ना पसंद नहीं है, मुझे दो जोर आवाज़ में बात करना पसंद नहीं है, तू तू मैं पसंद नहीं है, लेकिन इन शैतानों ने, इन महिषासुरों ने मुझे फोर्स कर दिया है।